कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईसर बिमल बास जानिए जग सोए ब्राह्मण बैस सूद आरो खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते 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 आप तार तारे कुल दोए आप तार तारे कुल दोए आप तार तारे कुल दोए भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटुंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख सोए पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोए भगत बराबर और ना कोए जैसे पुरैन पात रह जल समीप जैसे पुरैन पात रह जल समीप जैसे समीप जैसे पुरैन पात रह जल समीप जैसे पुरैन पात रह जल समीप जैसे पुरैन पात रह जल समीप पान रविदास जन्मे जग होए पान रविदास जन्मे जग होए पान बिमल बास जानिए जग सोए बिमल बास जानिए जग सोए बिमल बास जानिए जग सोए कुल साध बैस न होए कुल साध बैस न होए कुल
परम सत्कार योग उपस्थित सात संगत जियो, जितने भी तुसी इत्थे सात संगत दे रूप विच कई दिनों तो बैठ के इस जप प्रयोग दे महान नाम सिमरन दे प्रवाह दे विच अपनिया आत्मावां नू उस नाम सिमरन दे रस दे नाल भरपूर करदे होए जीवन दा लाहा लै रहे हो। सब गज के आखो धन श्री सतगुरु नानक देव जी। धन श्री सतगुरु नानक देव जी। अज दी जो साडी इत्थे एकत्रता सवेरे हुक्म होया सी सतगुरु जी दे वल्लों, अज दा जो दीवान ओ है नामधारी पंथ दी एक बीत राग संत, जो तकरीबन 27 साल पहला इस संसार तो गए, साधु संसार तो चले गए, संत साध तो संसार तो चले गए, पर उन्हां दी याद, उन्हां दियां कथावां, उन्हां दियां गाथावां, उन्हां दियां कहानियां वो तुहाडे सामने रखण दा हुक्म होया है। वो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म श्रोत्री, ब्रह्म नेष्टी, साधु महात्मा, उस महापुरश दा नाम सी श्रीमान संत पूरन सिंह जी, जिन्ना ने बहुत लंबा समा नामधारी पंथ दे विच अपना वड्डा स्थान कायम रखिया। संतां दे विच उन्हां दा नाम सी तकरीबन सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी दे वेले दा जन्म उन्हां दा लिखतां दे विच आया है। 1946 दे करीब लगभग बिक्रमी दा उन्हां दा जन्म है। सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी दे भी हो सकदा उन्हां ने दर्शन कीते होण, बाल अवस्था दे विच अपने, पर ज़्यादातर उन्होंने जो जीवन काल है अपना वह सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ते सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे चरण सरण दे विच रह के अपना जो जीवन सी उन्होंने वह नामधारी मर्यादा अनुसार, नामधारी असूलों अनुसार ढालिया, जीवन नू जीविया और एक ऐसी मिसाल कायम की भी इस दुनिया के उत्ते आ के जे किसी ने जीवन बतीत करना है, इस संसार दे उत्ते आ के जे किसी ने जीवन सफल करके जाना है तो वह किस तरह जाया जा सकता है। संसार दे उत्ते आ के जीवन जीवना कुछ होर गल है, संसार दे उत्ते आ के जीवन नू सफल करके जाना कुछ होर गल है। जीवन जीवंदे ते सारे ही ने, पर जीवन सफल करके जाण वाले संसार दे उत्ते बहुत विरले हुंदे ने। कोटन मैं नानक को नारायण जिहे चीत, करोड़ां विच्चों कोई एक ने जिन्हां दे हिरदे विच ओ नारायण ओ भगवान उसदा नाम वसिया होया है। करोड़ां दे विच्चों एक ने, लखां दी गल नहीं कीती। और सच्ची मुची जे असी ध्यान मारीए ते अज दे युग विच सच्ची मुची करोड़ां विच्चों ही कोई एक ऐसे ने जेड़े उस परमात्मा दे हरी दे नाम नाल जुड़े हुए ने। ऐसे करोड़ां विच्चों एक सन श्रीमान संत पूरन सिंह जी, उन्हां दी जीवन कथावां होर कुछ गल्लां ना करदियां होया अपने समय दे विच उन्हां दे जीवन विच्चों कुछ कु कथावां तुहाडे सामने रखांगा। गुरबाणी विच पातशाह ऐसे जो हरी के जन हुंदे ने, ऐसे जो हरी दे प्यारे हुंदे ने, ऐसे जो हरी दे दुलारे हुंदे ने, हरी दे सत्कारे होए हरी तकर पहुँच रखण वाले जो ऐसे गुरसिख प्यारे मीत हुंदे ने, उन्हां दी सोभा कैसी है। गुरु पातशाह गुरबाणी दे विच फुरमान करदे ने ते पातशाह कहिंदे ने हर जन सोभा
सब जग उपर ज्यों बिच उडवा सस की हर जन सोपा बिच सब जग उपर बिच उडवा सस की हर जन सोपा सब जग उपर बिच उडवा सस की बिच उडवा सस कीक हर जन सोबा सब जग ऊपर बिच उडवा सस कीक हर जन सोबा सब जग ऊपर हर जन सोबा सब जग ऊपर हर जन सोभा सब जग उपर जेड़े हरी दे जन ने हरी दे जन केड़े ने जिन्ना बारे पातशाह कहंदे ने हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ ना है हरी ते हरी दे जन एक ने पाई उन्हां नू दो ना जाणियो जदो कोई सच्ची मुची हरी तकर पहुंच गया पहुंचे सन भगत कबीर जी ते उन्हां ने कह दिता अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिल है सारंग पानी राम कबीरा एक पए है कोई ना सके पछाणी हुन राम ते कबीर एक हो गए ने हुन इन्हां नू दो ना समझो इन्हां विच भेद कोई नहीं हुन कबीर ही राम है राम ही कबीर है हुन चाहे कबीर दा नाम जप लो हुन चाहे राम दा नाम जप लो किसे पख तो त्या लो हुन फर्क नहीं रह गया कबीर जी ने ते इथो तकर कह दिता उन्हें आख्या ये दुनिया दे लोको जिस रब नू जिस खुदा नू तुसी मंदरां विच जाके गिरजे घरां विच जाके मक्के जाके लभदे हो ना ओ खुदा ओ रब मेरे पिछे तुरिया फिरदा मैनू आवाजा मारदा कबीर मेरी गल ते सुन जा किसे ने सवाल किया वह आखन लगा जी तुहाडी ये अवस्था तुहाडी ये बिरती कैसी बनी हुण ख्याल रखना भगत कबीर जी दे पास ना ते डंड कमंडल है ना उन्हां कोल पंज ककार ने ते ना ओ कुंजा बाग मुसल्ला धारी ने पर होया की कबीर जी कहिंदे ने कबीर मन निर्मल भया मेरा मन निर्मल हो गया ते मन निर्मल होण तो की होया हुण हर थां ते रब दिसदा मैनू कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं तेरा नाम जपदा जपदा तेरे नाम दा रूप हो गया कबीर हुण कबीर ही राम बन गया राम ही कबीर बन गया कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं हुण अपना आप रहा नहीं ते ए अवस्था कदों बनी अपने आप ना रहन वाली पता किदा लगा की एदी निशानी है ते कबीर जी कहंदे ने जब आपा
परका मिट गया जद देखो तद तू जदो अपने ते बेगाने दी पछाण भुल गई जदो हुण ए नहीं पता लगदा पी अपना कौन है पराया कौन है सबको मीत हम आपन कीना सारे ही मेरे हुण मित्र जापदे ने बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई हुण ते सारे अपने संगी जापदे ने जदों ऐसी अवस्था ते पहुंचे कबीर जी ते उन्होंने कह दिता हुण राम ते कबीर एक होए ने पर ए अवस्था बनी किदां मेरे विद्या गुरु साडे नामधारी पंथ दे श्रोमणी जथेदार सेवा सिंह जी होना एक रीत गाया करदे सन दुई का जब उठा परदा अजब ए मांजरा देखा परदा अजब ए माजरा देखा माजरा कहिंदे ने तमाशे नू वो क्या देखा अब हर एक तरफ हर एक जर्रे में खुदा देखा खुदा देखा खुदा देखा हुण ते ऐसी अवस्था होई है पातशाह कहिंदे ने हर जन शोभा ओ हरी दे जना दी जो शोभा है सब जागी उपर पई सारे संसार नालों उच्ची है क्यों क्योंकि वह आप संसार पद्धर तो उच्चे ने उन्हां दी शोभा कैसी है पातशाह कहिंदे ने जो विच उडवा सस कीक उडवा कहिंदे ने तारियां नू सस कहिंदे ने चंद्रमा नू कहिंदे ने जिस तरह तारियां दे विच चंद्रमा शोभा पाउंदा जिस तरह तारियां दे विच चंद्रमा दी शोभा है इस तरह जिहड़े हरी दे जन ने उन्हां दी दुनिया दे विच शोभा है दुनिया दे मनुख जिहड़े ने इस तरह जाणो जिस तरह तारे ने ते हरी दे जन नू इस तरह जाणो जिस तरह चंद्रमा हुंदा चंद्रमा दी चाननी है चंद्रमा दी शोभा है कहिंदे ने इस तरह हरी दे जना दी शोभा है ओ वखरे ही नजरे आउंदे ने चंद्रमा जिहड़ा है निगाह घट वाले नू भी नजरे आवेगा सारे तारे नजर नहीं आउंदे इसे करके हर एक मनुख दी संसार दे उत्ते खुशबू नहीं फैलदी पर जो हरी दे जन ने वह कदे गुजे नहीं रेंदे कहिंदे ने हर जन शोभा सब जागी उपर ज्यों विच उडवा सस कीक ते जिन हर हिरदै नाम ना वस्यो ते सब कारज फीक ते भाई जिन्हां दे हिरदे विच नाम नहीं वसिया जिन्हां ने हिरदे विच नाम नू ग्रहण नहीं कीता वह जिहड़े भी कारज करदे ने वह सारे फिक्के ने उन्हां दे नाम तो बिना पातशाह कहिंदे ने नाम बिना जो पहरा खाए भाई जे तू नाम जपण तो बिना नाम नू हिरदे विच वसाण तो बिना नाम नू धारण करन तो बिना कुछ खाना है कुछ पहनदा है कुछ भी चीज नू ग्रहण करदा अंगीकार करना है कहिंदे ने इस तरह है जो कुकर जूठन मह पाए जिस तरह एक गलियां दे विच फिरन वाला कुत्ता है
जिस दा मालक कोई नहीं, वह हर दर ते फिरन वाला, हर घर जान वाला, एक घर दा हो के नहीं बैठा होया, गलियां विच रात भज्जा फिरदा है, कारां दे मगर मोटरसाइकलां दे मगर उड़ीक करदा पी कदों रात दे 12 वजण ते हलवाई अपनी दुकाना बंद करन ते मैं उस दी पतीले जिहड़े ने वह चट के साफ करा। कहिंदे ने ऐसा कुत्ता जो घर घर फिरन वाला है, ऐसे कुत्तियां नूं कई वारी MCD वाले आके वो फड़ के भी लै जांदे ने ते मार भी देंदे ने, जानो पता ना ना पिया होवे गल दे विच। आंदे ने ऐसे कुत्ते जैसी हालत है, कुकर जैसी उस मनुख दी जिस दे हिरदे विच नाम नहीं वसिया होया, ते जिस दे हिरदे विच नाम वस गया, अज ऐसे संतां दी याद विच आपां इत्थे बैठे हाँ। श्रीमान संत पूरन सिंह जी जिन्हां ने गुरु घर दे विच आ के ऐसी अवस्था तकर पहुँचे, बाल अवस्था सी इन्हां दी, ते बचपन तो ही जिस तरह इन्हां दा सुभा ना कार विहार वल लगा, ना को होर दुनिया दे खेत्र विच ध्यान गया, बचपन विच ही ऐसा सुभा सी भी साधुआं संतां दी संगत करनी जाके, ते संतां साधुआं दी संगत करदियां करदियां पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। समा बनिया सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे दोतरे सन संत बसंत सिंह जी, संत बसंत सिंह जी दे नाल मिलाप होया। संतां ने जदों बच्चे दे वल वेख्या ते वेख के हिसाब ला लिया भी बच्चा होनहार है। सतगुरु राम सिंह जी दे दोतरे संत बसंत सिंह ने संत पूरन सिंह नूं कन्न दे विच गुरमंत्र दे दिता। जदों कन्न दे विच गुरमंत्र मिलिया ते नाल ही आख्या, बेटा इस गुरमंत्र दा जाप जपिया कर। बिरती ते सुभा पहला ही इस पक्ष वल सी भी मैं साधुआं दी संगत करा, सेवा करा, सत्संगी जीवन है सी, पर जदों नाम मिल गया हुण सुवास सुवास नाम जपन लगे। अजे छोटी उम्र सी, नाम दा ऐसा रस आया, नाम दा ऐसा रंग चढ़िया, सारी दिहाड़ी नाम जपया। जदों रात पई ना ते सोचिया नींद आ गई, सोचिया भी एक पासे नाम दा रस है आउंदा ते दूसरे पासे ये नींद भी जोर पाउंदी है, कीता की जावे। ते जी ये करदा सी भी मैं नाम जपां ते नींद अपना जोर पाउंदी सी, ते जदों उम्र भी अजे बुढ़ेपे विच आ के कहिंदे ने नींद घट जांदी है, पर जदों अजे चढ़दी जवानी होवे नींदर दा ते जोर होवेगा। विचार कीती करां की, ते विचार करदियां करदियां सलाह ये बनी भई होवे ना ते किसे बोर्ड दी टाण दे उत्ते बह के नाम जपिया जावे, जे किते नींद आई ते थल्ले ही डिगेंगा ना इस डर तो तेरा, तेनू नींद ना आवेगी। ते संत पूरन सिंह जी ने सारी सारी रात किसे ना किसे छप्पड़ दे कंडे चल जाना, किसे ना किसे बोर्ड दी टाण ते बह जाना, इस भाव नू लैके भी जदों नींद आउणी ते थल्ले डिग पैना, ते सट वजनी, ते सट वजन करके ते फिर सारी नींदर खुल जानी, फिर उस टाण ते बह के नाम जपना। सारी सारी रात इस महापुरश ने चढ़दी जवानी दे विच नाम जपिया, सारी सारी रात। ओ ना राती सौंदे जी, ओ आशक रब दे, आशक रब दे, we'll be right back।
साथ बह के संतां ने नाम जपिया। बाबा बुल्ले शाह जी का एक कलाम है, वह कहते राती जागे ते शेख सदावे, पर रात नू जागन कुत्ते तैथी उत्ते, खसम दा बूहा मूल ना छड़ दे, पावे मारन सौ सौ जुते तैथी उत्ते, राती पौंकनो बस ना कर दे, फिर जा रड़ा विच सुते तैथी उत्ते। बुल्ले शाह उठ यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तैथी उत्ते। ओ तेरे नालो ओ कुकर जेड़ा एक करदा हो के एक मालक दे बुए मल के बैठा होया, सारी रात वो जागदा है इस गल करके भी मता मेरे मालक मालक दा डर है अंदर, मालक दा भौ है अंदर, ते अपने मालक दी वफादारी नू ध्यान विच रख के ओ कुत्ता सारी रात जागदा है। वो तेनू जरा जिनी शर्म नहीं आउंदी उस कुत्ते वल वेख के भी, तेरे अंदर तेरे मालक दा इन्ना भी डर नहीं, वो इन्नी भी वफादारी नहीं भी तू रात उठ के जाग के उठ जाग कुराड़े मार नहीं, 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 सुन तेरे दरकार नहीं, सुन तेरे दरकार नहीं, सुन तेरे दरकार नहीं, सुन तेरे दरकार नहीं, उठ जाग सूता क्या कर है उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोमन होएगो लांबे गोंड पसार, सारी रात बह के इस महापुरुष ने नाम जपया तप कीता। मोरो इन्हां दा नगर जिला जलंधर दे विच एक दिन ऐसी मस्ती आई, अपने घरों उठे कारोबार कोई करदे नहीं सन, एक दो बारी इन्हां नूं भेजिया भी कम कार करन वास्ते, पर उत्थे कोई इंसीडेंट ही ऐसे बन गए भी घरदियां भी आखिया भी इन जिहड़े काम नूं हथ पाया ते उही काम लै ही बहिंदा है, बाकियां दा भी नुकसान करवाउंदा नाल, इहनूं कारोबार वल ना ही लाईए। घरदियां वल्लों छुट्टियां मिल गईयां, संतां नूं इस गल दा होर ज़्यादा उत्साह मिलिया ते अपने घरों निकले ते फलौर आ गए। फलौर आ के इत्थे भी दिन रात नाम दे नाल जुड़े ने, एक दिन समा बनिया बैठे हुए नाम ने जपदे ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी का दर्शन होया संत पूरन सिंह जी नूं, पर पछाण नहीं सी क्योंकि दर्शन कीता नहीं सी होया, अजे श्री भैनी साहब की धरती ते आए नहीं सन। नाम जपन लग पे, नाम मिलिया सी, नाम जपन लग पे, इन्ना पता है सतगुरु राम सिंह जी का नाम सुनिया, सतगुरु प्रताप सिंह जी का नाम सुनिया, पर दर्शन नहीं कीता होया। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह सामने खड़े हुए ने, जिस वक्त सामने वेख्या एक दिव्य दृष्टि मूर्ति खड़ी हुई है, दर्शन करके मन नूं शांति आई, धीरज आई, इन्हां पुछिया जी तुसी कौन जे, ते उस मूर्ति विचों आवाजा आया पूरन सिंह जिसनूं तू याद करना है मैं राम सिंह हाँ। इन्हां अगों सवाल किया जी मैं नहीं मनदा, मैं किस तरह मनना भी तुसी सतगुरु राम सिंह जे, आखन लगे मेरे नाल तुर, अपने नाल लै गए अगले पासे दरिया दे उतां कोल जाके कंडे ते खलारिया, ते की वेख्या संता पूरन सिंह होना ने, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह तुरदे तुरदे ना दरिया दे विच जाके खलो गए ने, ते जदों उतां ध्यान मारिया संतां ने ते पता नहीं बेअंत संगतां आकाश विचों थले नूं तुरियां आउंदियां ने, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੱਸਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ
सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे नाल जितनियां संगतां सानू दर्शन अलोप होया, केवल सतगुरु जी खड़े ने ते संत पूरन सिंह जी खड़े ने। संतां नू पुछिया, सतगुरु आप ही हुण मन्निया कि नहीं? आखन लगा, जी मेरी प्रतीत बन गई है, मेरे ते कृपा करो। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आखन लगे, मस्तानिया आ चल तेनूं भैणी साहब लै चला। बस इन्ना आखण दी देर सी, अख झपकी संतां ने ते लुधियाणे पहुंच गए। लुधियाने आए, लुधियाणियों आके संत सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी भी नाल ते श्री भैनी साहब की धरती ते आए। ख्याल रखना, ये कोई सुपने दे दृष्टांत नहीं, उन्होंने साक्षात उन्होंने नाल सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह इस तरह का कौतक वरताया। सतगुरु जगजीत सिंह जी के उपदेश में एक पवित्र बचन आता है, सच्चे पातशाह कहते भी जदों किते जिसनू सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे दर्शन हो जान, सारी जिंदगी दा कीता जप तप, सारी दुनिया दियां खुशियां एक छाबे विच पा लवो, ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दा जो दर्शन है, उस दर्शन दी जो खुशियां ने सतगुरु जी वल्लों दित्तियां होईयां मिलियां होईयां, उसनू एक छाबे विच पा लवो। सारे संसार दियां खुशियां ते एक पासे सतगुरु राम सिंह जी के दर्शना दियां खुशियां एक एक छाबे विच पाईयां होण, पर सारे संसार दियां जो खुशियां ने वो फिर भी हौलियां रह जाणगियां। तो जिन्हां नूं सतगुरु राम सिंह जी का दर्शन होया, आ जो कुछ असीं करदे आं आपां सतगुरु राम सिंह जी के दर्शना वास्ते, ते सतगुरु प्रताप सिंह जी दे उपदेश विच आउंदा, काली दानी, नीली दानी, चिट्टी दानी, लाल दानी, पता नहीं उसने किदे ते कृपा कर देनी है। हुण जे देखिया जावे ते उस समय भी बहुत वड्डे वड्डे संत महापुरश बंदगी करन वाले भैणी साहब दी धरती ते भी होणगे, पर एक ऐसा बच्चा जिसने दर्शन नहीं किया सतगुरु राम सिंह दा, अजे नामधारी संपर्दा वल झुका बनिया इस दा, ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आ के दर्शन दिता, श्री भैणी साहब दी धरती ते लियाए, ते लिया के इन्हां नूं सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे वल इशारा करके आखन लगे, पूरन सिंह ये हुण समय दा मालक है भाई, इहदे चरणां नाल जा के तू लग। ते संत पूरन सिंह जी इस तरह सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच आए, इन्हां नूं इत्थे भैणी साहब दी धरती ते लै के आउण वाले आप सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी सन। मैं इस करके अर्ज कीती सी, जेड़े हरि के जन ने हर जन शोभा सब जागी उपर, उन्हां दी जो शोभा है वह सारे संसार नालों उच्ची है, न्यारी है। क्यों? क्योंकि वह हरि के जन ने फिर श्री भैणी साहब की इस धरती ते इन्हां ने अथाह नाम जपया। ते केवल यह नहीं सी भैणी साहब की धरती ते रहना, जदों जी करना अपनी मौज नाल कदी रावल पिंडी चले जाना, कदी लाहौर चले जाना, कदी दुआबे वाल नू चले जाना। एक दिन इसे पासे ही दुआबे विच ही फलौर दे लागे ही बैठे हुए सन, एक टोला आ गया संतां दा, साधुआं दा मंडली आ गई। उन्हां आके पुछिया, बेटा आपां इशनान करना ते कोई थां दस। लागे एक खूह सी, ते जदों उन्हें उस मंडली ने जाके खूह विच गड़वा सुटिया ना, ते वह खूह सी खाली। ते वह बड़े परेशान होए भी आपां इशनान करना सी, खूह खाली है, पानी है नहीं। ते संत पूरन सिंह जी उठे ते जाके आखन लगे, हे वरण देवता, साधु आए ने, संत आए ने, इन्हां ने इशनान करना, अज लोड़ है तेरी, ते तेरी सेवा इत्थे चाहीदी है। बस इन्ना आख के संत पूरन सिंह होना जो अपना गड़बा सुटिया, ते ओ सुके हुए खूह दे विच पानी आ गया, ते सारी मंडली ने इशनान किया। गुरबाणी विच पातशाह कहिंदे ने, पै विच पवन वहै सदवाओ, ते पै विच चल है लख दरियाओ। ते जेड़े जिस सतगुर दे पै विच ए दरिया पौन पानी आकाश चलते ने, जेड़े उस दे नाल मिल जाते ने, जेड़े उस दा रूप हो जाते ने, जदों भेद ही कोई नहीं रहा हरी ते हरी दे जन विच, ते ए जितनियां दुनिया नू चलाउण वालियां ताकतां ने, अग्नि होगी, पानी होगी, वरण देवता हो गया, इंद्र देवता हो गया, ये सारे देवते भी उस साधु पुरश हरी जन दे सेवक बन जाते ने। क्यों?
क्योंकि भेद कुछ नहीं रह गया हरी दे विच ते उस दे जन दे विच उस खूह दे विचों सारिया इशनान किया। तो कमाल की गल तो उदो हुई जो सारे इशनान कर लिया तो दोबारा ध्यान मारिया तो खूह फिर सुके दा सुका। उस सारी मंडली ने जय जयकार की संतां दी भी संत जी कमाल है तुहाडी। इसे करके साडे साधु पुराने जथेदार ये रीत गाया करते सन। ओ महिमा सादा दी कहन कथन तो भारी कुछ उपाशक बन गए संतां दे भी संतां विच करामात बड़ी है। एक ऐसा प्रेमी बनिया भी जितने को उसने पैसे कमाया करने ना रुजगार करके ते बहुत सारा हिस्सा लिया के संतां नू दे देना ऐसा प्रेमी बन गया। पर इसकी घरवाली बड़ी औखी हुई भी एक कमला होया दस उन्हां नू जाके खवाई जांदा घर बच्चे भुखे मरदे ने। इसने कई बार समझाया पर घरवाला मनिया ना गल। अखीर नूं इत्थों तकर गल हो गई उस प्रेमी दी घरवाली ने संतां नूं ना जहर दे दिता। सेवा करदी सी प्रशादे दे नाल ते उसने लिया के जहर दे दिता ते आखिर जहर ने ते अपना काम करना ही सी ना। जहर ने अपना काम किया सारे शरीर विच फैलन लगा ते संत बेहोश होकर डिग पे ते रंग बदल गया। पर पातशाह कहिंदे ने जिस दा साहिब डाढा होए तिसनो मार ना साकै कोए ते साहिब की सेवक रहै सरनाई आपे बख्शे दे वड्याई। जेड़ा उसकी सरन विच रहे उसनू तत्ती वाह नहीं ओ लगन दिंदा। नाल एक दो सेवक सन उन्हां नू पता लग गया भी संतां दा जो रंग बदलदा ना पिया ये संतां नू जहर दे दिता गया। उन्हां ने लिया के घिओ पिलाया संतां नू। कुछ संतां ने उल्टियां कीतियां वह जहर जिहड़ा सी ना बाहर आया तो बचा हो गया। जदों उल्टियां आईया ना तो संतां दियां अखां खुलियां तो ख्याल रखना साधु दियां जदों अखां खुलियां संत पूरन सिंह जी दियां तो उठ के गालां नहीं कढ़ियां उठ के हाल पारिया नहीं कीता भी तू मैनू जहर दे दिता है। अखां खोल के आखन लगे वाह सतगुरु राम सिंह तेरे भी रंग न्यारे ही ने। जहर दे दिता किसी ने जहर नू ग्रहण कर लिया। सारिया नू पता भी देन वाली ए है पर अखां खोल के आंदे ने वाह सतगुरु राम सिंह तेरे भी रंग ने आ रहे ने ते नाल ए धारण पड़ी संता।
तेरे रंगा दा अंत ना आवे चीनी वाले पातशाह जी रंगा दा अंत ना आवे चीनी वाले पातशाह जी तेरे रंगा दा अंत ना आवे चीनी वाले पातशाह जी तेरे रंगा दा अंत ना आवे चीनी वाले पातशाह जी रंगा दा अंत ना आवे चीनी वाले पातशाह जी रंगा दा अंत ना तेरे भी रंग न्यारे ने पा मेरा कहन तो ए अवस्था ए बिरतियां ने साधुआं दिया समा बीतिया संता ने बहुत सारे सिख सजाए साधु दा काम हुंदा आप जप है अवरह नाम जपावे ओ आप ते नाम जपदा ही है दूसरियां नू भी नाम जपदा नाम जपन दा उपदेश दिंदा ते सतगुर दे नाल जोड़दा ए साधु दी निशानी है संत कदी अपने नाल नहीं जोड़दा क्यों क्योंकि संत नू पता हुंदा पी जो मेरे कोल ताकत है ए मेरी नहीं ए मेरे गुरु की दित्ती हुई है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने संत सहारत श्याम के पाए संतां नू जो सहारा है ना वो श्याम दा भाव सतगुरु दा है ते संत पूरन सिंह जी उस अवस्था दे मालक सन जिन्हां ने सारी जिंदगी जिस किसे नू भी भजन दिता जिस किसे दा भी मां शराब छुड़ाया जिस किसे नू भी ठगियां चोरियां तो छुड़ाया उस नू अपने नाल ना जोड़ के आख्या पी श्री भैणी साहब सतगुरु जी दे चरणा विच आ ए वड्डी उन्हां विच गल सी नामधारी पंथ दीआं तिन वड्डियां शख्सियतां तुसी सारे जितने बैठे हो बहुतिया ने उन्हां दे दर्शन किए होणगे जे दर्शन नहीं किए ते मेरी जो उम्र दे ने उन्होंने उन्होंने नाम सुने होणगे भाई दर्शन सिंह जी ते संत हरनाम सिंह जी शहीदियां वाले शरदाई वाले ते संत भगत सिंह जी ये तीन नामधारी पंथ दे विच वड्डियां शख्सियतां दे तुसां दर्शन किए ने सारी जिंदगी इन्हां तिन्हां ने गुरु घर की सेवा विच बतीत कीती वड्डियां हस्तियां सन मैं तुहाडी नोट विच ये गल लिया दिया पी इन्हां तिन्हां महापुरशां नूं नामधारी पुणे की चेटक लाउण वाले संत पूरन सिंह जी सन कथा लंबियां ने मैं केवल छोटियां छोटियां गल्लां रखदियां संत हरनाम सिंह जी भाई दर्शन सिंह होणा नूं संत भगत सिंह जी नूं इन्हां दा जीवन कोई नामधारी पुणे विच ढालिया होया जीवन नहीं सी पर संत पूरन सिंह जी दे संपर्क विच आए ते संत पूरन सिंह जी ने इस तरह कीता कबीर पारस में अर संत में बड़ो अंतरो जान पारस लोक कंचन करे ते संत कर दे आप समान कहिंदे ने पारस जिहड़ा है उस दी ये ताकत है पी उह लोहे नूं सोना कर दिंदा है पर कहिंदे ने जो संत ने ना वो अपने वर्गा पारस ही बना लैंदे ने पारस ने कदी अपने वर्गा पारस बनाया नहीं पर संत अपने वर्गा संत बना लैंदे ने संत पूरन सिंह जी जिहो जे आप सन ओहो जे बना लिया संत हरनाम सिंह जी नूं संत भगत सिंह होणा नूं ते भाई दर्शन सिंह होणा नूं Thank you.
ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਆਵਦਾ ਸਮੀਪ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੀ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ ਸੰਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਅਪਮਾਨ ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਮਾਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਜਰਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਸੰਤ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਉਪਕਾਰ ਚਾਲ ਚਲਤ ਬੇਹੰਗਮ ਕੀ ਪਾਪੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਏ ਪਾਉਣ ਸੰਤ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਜਨ ਸਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਮਸਤਾਨਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਸਤਾਨਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਪਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜਿਓਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਤੁਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਦੀ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹ ਕੁੱਲ ਸਾਧ ਬੈਸਨੋ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਸੋ ਗਾਓ ਧਨ ਸੋ ਠਾਓ ਧਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਏ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਨੀਤ ਭਾਵ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਵਰਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਮੌਰ ਰਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਗੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦੋਹਤਰੇ ਨੇ
ते इन्हां दी भी अपनी कमाल है, बा कमाल इन्हां दी मिसाल है। मैं अर्ज ये कीती सी पातशाह कहिंदे ने धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कुटुंब सब लोए, सारे तंता दे योग हो जांदे ने ते तर जांदे ने कौन, जेड़े जेड़े भी ऐसे साधु दे संपर्क विच आ गए ते संत पूरन सिंह जी होना दे जेड़े भी संपर्क विच आए उन्होंने दुनिया नालों न्यारे कर ले जिस तरह दे ओ आप न्यारे सन। ऐसे साधु नू नतमस्तक हुंदिया होया सब गज के आखो उस महान सतगुरु का ध्यान करो जिसने उस संत दे उत्ते कृपा की ते उसनू दुनिया नालों वखरा ते न्यारा बनाया। सब गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु राम सिंह। ते जिस महान सतगुरु की छत्र छाया हेठ उन्होंने अपने जीवन के अंतले समय जड़े सन वह बतीत किए ओ सतगुरु नूं ताने आखो। सब गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री। इतना कुछ कह के मैं इत्थे खिमारा जा चुका हाँ। धन्यवाद, सत श्री अकाल। साडे चैनल नूं लाइक करो, सबसक्राइब करो ते शेयर करो। धन्यवाद।